सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मैं आपको दोस्त रुपेश लोधवाल। गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप घर पर बैठे बैठे इस लॉकडाउन में टाइम पास ही कर रहे हैं तो कुछ अच्छा करिए। जैसे कि अगर आप टाइम पास करते हैं गेम्स खेलकर, मूवी देखकर, वेब सीरीज देखकर, तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने घर के पुराने फोटो को भी देखें। अगर वो पुराने फोटो ब्लैक एंड व्हाइट हैं और आप सोचते हैं कि यार ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटो इनको मैं क्या करूं देखकर, तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके घर में जो भी पुराने ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है आप मात्र 5 सेकंड में उनको कलरफुल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और गाइस सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यहां पर यह है कि अगर आपको एडिटिंग करना नहीं भी याद है तो भी आप अपने ब्लैक एंड व्हाइट फोटो को कलरफुल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इससे भी अच्छी बात, आपको किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करना है जहां पर आपको फोटो एडिटिंग करना होती है। आप बिना किसी एप्लीकेशन को यूज किए अपने किसी भी जमाने के ब्लैक एंड व्हाइट फोटो को कलरफुल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो गाइस अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया था, मुझे जरूर फॉलो करें, वहां पर काफी सारी हेल्प मैं आपकी करता हूं। तो गाइस करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी करे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, पास की बेल आइकन को प्रेस कर दे, ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके, ताकि हमारा सारे नोटिफिकेशन आपको इसी तरह से मिलते रहे। तो गाइस करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले आपको किसी भी एक ब्राउजर को ओपन करना है। यहां पर मैं क्रोम को यूज करता हूं तो इसको ओपन करूंगा। आप जो भी ब्राउजर यूज करते हैं उसको ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आपको गूगल को सर्च करना है। सर्च करने के बाद यहां पर आपको टाइप करना है algorithmia.com या यहां पर आप देख सकते हैं दोनों के ही नाम यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं और दोनों ही एक ही वेबसाइट पर आपको लेकर जाएंगे। तो गाइस यहां पर हम सर्च करेंगे कलराइज। कलराइज पर क्लिक करने के बाद यहां पर आप देख पाएंगे फर्स्ट नंबर पर जो लिंक आपको दिखाई दे रही है आपको इस लिंक पर क्लिक कर देना है। तो गाइस यहां पर आप देख पा रहे हैं वेबसाइट ओपन हो जाने के बाद सबसे पहले यहां पर आपको सर्च बार दिखाई दे रही है। आप इस सर्च बार पर इंटरनेट से ही किसी भी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो के यूआरएल को कॉपी करेंगे और यहां पर पेस्ट करेंगे तो उस ब्लैक एंड व्हाइट फोटो को यहां पर लाकर वो कलरफुल में कन्वर्ट कर देगा। और यहां पर आप नीचे भी देख पा रहे हैं कुछ फोटो डेमो के लिए आपके लिए दिए गए हैं जिनको आप चेक कर सकते हैं कि इनको अगर कलरफुल में कन्वर्ट करते हैं तो किस तरह के दिखाई देंगे। और गाइस अगर आप चाहते हैं कि इन सारी चीजों को मैं दूर रखकर मेरे घर के ही ब्लैक एंड व्हाइट फोटो को मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं कलरफुल में, तो आपको सबसे पहले करना क्या होगा। गाइस यहां पर आप देख पा रहे हैं अपलोड का बटन आपको दिखाई दे रहा है, सिंपल सा आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहां पर आप देख पाएंगे आपके घर के जितने भी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो आपने कैप्चर करके रखे हैं यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं। अब आप किसी भी एक फोटो को यहां पर क्लिक करें, लेकिन यहां पर एक बात ध्यान रखना है कि यहां पर आप बस एक साथ दो फोटो को ही कलरफुल कर सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि सारे फोटो को मैं सिलेक्ट कर लूं और एक ही बार में कलरफुल में कन्वर्ट कर दूं, तो गाइस ऐसा संभव नहीं है। आप एक या दो, बस दो से ज्यादा फोटो को एक साथ कलरफुल में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो सिंपल सा हम यहां पर एक ही फोटो पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद डन पर क्लिक कर देते हैं। तो गाइस यहां पर आप देख पाएंगे जैसे ही डन पर क्लिक किया आपकी प्रोसेस यहां पर रेडी हो चुकी है, आपका फोटो कलराइज होने के लिए तैयार हो चुका है। और गाइस यहां पर ये प्रोसेस चलती रहेगी, मात्र 5 सेकंड की प्रोसेस होती है और कभी कभी 10 सेकंड भी लेगी और कभी कभी 1 सेकंड में ही आपका काम हो जाएगा। तो गाइस यहां पर आप देख पा रहे हैं प्रोसेस पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। तो गाइस यहां पर आप देख पा रहे हैं आपने जो भी फोटो अपलोड किया था ब्लैक एंड व्हाइट से कलरफुल में कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन आधा आधा यानी 50-50। यहां पर आप देख पा रहे हैं आधा फोटो कलरफुल में है और आधा ब्लैक एंड व्हाइट में है। अगर आप पहले देखना चाहते हैं कि जो फोटो मैंने अपलोड किया है वो कलरफुल में कैसा दिखाई देगा उसके बाद में इसको डाउनलोड करूं, तो बीच में आपको एक लाइन दिखाई दे रही है। अब आपको करना है क्या है, यहां पर आपको ब्लैक एंड व्हाइट का जो बैकग्राउंड दिख रहा है वहां पर आपको टैप करना है 2-3 बार। आप जैसे ही टैप करेंगे आपका फोटो पूरी तरह से कलरफुल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपको ये नहीं करना है तो आपको जो बीच में लाइन दिखाई दे रही है उस लाइन को आपको ब्लैक एंड व्हाइट की तरफ खींचना है। खींचने के बाद भी आपका फोटो यहां पर कलरफुल में कन्वर्ट हो जाएगा और आप यहां पर देख पाएंगे कि आपने जो भी फोटो अपलोड किया था कलरफुल में किस तरह का दिखाई दे रहा है। और गाइस अगर आप यहां पर डाउनलोड करना भी चाहते हैं इन फोटो को तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं फोटो डाउनलोड करने के लिए। पहला ऑप्शन आपको मिलता है कंपैरिजन वाला। जैसे कि आपने जैसे ही फोटो अपलोड किया था तो आप वहां पर देख पा रहे थे कि 50-50 में आपको फोटो दिखाई दे रहा था, आधा कलरफुल और आधा ब्लैक एंड व्हाइट। अगर आप पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो फोटो उसी तरह से डाउनलोड होगा, आधा कलरफुल और आधा ब्लैक एंड व्हाइट। और उसके जस्ट नीचे एक ऑप्शन और दिखाई दे रहा है डाउनलोड का, अगर आप उस पर क्लिक कर देते हैं तो सीधे आपका जो भी
ब्लैक एंड व्हाइट फोटो था, कलरफुल में डाउनलोड हो जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के। और आप इसी तरह से आपके घर के जितने भी पुराने फोटो है अगर आप उनको कलरफुल में देखना चाहते हैं, कलरफुल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इस ट्रिक को आप अच्छी तरह से अजमाइए। और कैसे, एक ऐसा तरीका है जहां पर आपको एडिटिंग भी नहीं करना है और मात्र 5 सेकंड में ही आप अपने फोटो को कलरफुल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो गाइस कैसी लगी ये वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पास के बेल आइकन को प्रेस कर दें, ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके, ताकि हमारा सारा नोटिफिकेशन आपको इसी तरह से मिलते रहे। और गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एक बात और, यहाँ पर आपको 2 वीडियो दिखाई दे रही है, ये 2 वीडियो भी आपके लिए बहुत ज्यादा काम की होगी, आप किसी भी 1 वीडियो को यहाँ पर देख सकते हैं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।